हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आनंद नर्सिंग फाइल। टुडे इन दिस वीडियो वी मेक द नर्सिंग केयर प्लान ऑन निमोनिया इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं वीडियो में हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं निमोनिया का, मीन्स पेशेंट विद निमोनिया। ये हमारा नर्सिंग केयर प्लान फर्स्ट, जिसमें देखते हैं असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, पेरेंट कंप्लेंट्स दैट ही कॉन्ट टेक ब्रीथ प्रॉपरली, मीन्स जो बच्चे के पेरेंट्स है वो उनका कंप्लेंट है कि ये बच्चा ठीक से सांस नहीं ले रहा। दिस इज नर्सिंग असेसमेंट बाय सब्जेक्टिव डाटा। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा ऑन ऑब्जर्व द चाइल्ड टेक्स रैपिड रेस्पिरेशन, मीन्स डिस्निया लाइक अपेरेंस, एलो रेस्पिरेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है, तो मीन्स हमको ऐसा लगा कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हमने तैयार किया है, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, डिस्निया रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस। एयर नर्सिंग डायग्नोसिस, अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न, डिस्निया रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस। ये हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है, मीन्स पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस इन एयरवे। हमारा गोल होगा यहाँ पे टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न्स, मीन्स ब्रीदिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करना जिससे कि बच्चा ठीक से सांस ले सके। नेक्स्ट इंटरवेंशंस देखते हैं। ये इंटरवेंशंस, असेस ब्रीदिंग पैटर्न, मीन्स हमको ब्रीदिंग पैटर्न असेस करना है। इसका रेशनल होगा, मीन्स ऐसा क्यों करना है। Assessing the breathing pattern help to know the rate and rhythm of the respiration. Means हमको इससे पता पड़ेगा कि respiration का rate और rhythm क्या है, किस तरह का respiration है। Implementation में जो हम interventions है उस activities को कर रहे हैं, जैसे assess the breathing pattern, means हम breathing pattern को assess कर चुके हैं, तो ये होता है implementation। तो next second intervention, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है जिससे कि वो ठीक से ब्रीदिंग कर सके। तो इसका रेशनल है, प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प्स टू इंक्रीज थोरेसिक स्पेस, मीन्स हम पेशेंट को यदि कंफर्टेबल पोजीशन कराएंगे तो वो ठीक से सांस ले पाएगा और उसका थोरेसिक स्पेस भी इंक्रीज होगा, मीन्स एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेक्स। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोवाइडेड सेमी फाउलर्स पोजिशन, मीन्स हमने बच्चे को सेमी फाउलर्स पोजिशन कराई जिससे कि वो ठीक से कंफर्टेबली रेस्पिरेशन कर सके। द नेक्स्ट इंटरवेंशन है, प्रोवाइड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग टेक्निक, मीन्स हम बच्चे को और इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स को डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट रेशनल होगा इसका, प्रोवाइडिंग डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग इंक्रीज रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग इंक्रीज रेस्पिरेटरी फ्लो। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग जो है थोड़ा रेस्पिरेशन को इम्प्रूव करेगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोवाइडेड डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग, मीन्स हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग को प्रोवाइड करा चुके हैं। द नेक्स्ट, एडमिनिस्टर मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, मीन्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमको मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्टर डायरी फाइलिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, मीन्स
ब्रोंको डायलेटर्स हमने इसको प्रोवाइड कराया है जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा इवेल्यूशन होगा यहाँ पर। ऑन इवेल्यूशन माई पेशेंट ब्रीदिंग डिफिकल्टी गेट्स रिड्यूस, मीन्स हमने जो भी ये ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेशेंट का ठीक किया है, इसके बाद हमें इवेल्यूट कर देंगे पेशेंट का जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है वो रिड्यूज हो गया है, वो ठीक से रेस्पिरेशन ले रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस इन नर्सिंग केयर प्लान, अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न डिसनिया रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस। अब देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड। हेयर नर्सिंग डायग्नोसिस सेकंड इन नर्सिंग केयर प्लान, इन एडिक्यूट न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस्ड बाय द बॉडी एंड वेट लॉस, मीन्स पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इनएडिक्यूट है, ये हमको पेशेंट इसका हमने असेस किया है कि मीन्स जो पेशेंट है वो वेट लॉस है, वीक दिख रहा है और पेशेंट को एक तरह से भूख नहीं लग रही है, हमने सारी चीज़ें पूछा है। तो इसके बाद हमने ये डायग्नोसिस तैयार किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग से असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा, पेरेंट कंप्लेंट दैट द चाइल्ड डजंट ईट एनीथिंग, मिस जो बच्चे के पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा है कि बच्चा कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, दिस इज सब्जेक्टिव डाटा। देन ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑन ऑब्जर्वेशन इट इज़ फाउंड दैट द चिल्ड्रन इज फिजिकली वीक एंड हैज़ एनोरेक्सिया। ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स बाई ऑब्जर्वेशन वी गेट दिस डाटा एंड वी फाइंड दैट द चाइल्ड इज फिजिकली वीक एंड इज एनोरेक्सिक। तो हमारे यहाँ डायग्नोसिस होगा इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस्ड बाई द बॉडी एंड वेट लॉस। तो ये हमारा डायग्नोसिस है, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का इम्बेलेंस है और इनएडिक्वेट है ड्यू टू एनोरेक्सिया, इसको हमने एविडेंस किया है बाई द पेशेंट्स वेट लॉस और इस फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पर हमारा गोल होगा टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना है। नेक्स्ट इंटरवेंशंस हमने इसके लिए कौन कौन से यूज़ किए हैं वो देखते हैं। हियर दिस कॉलम इज़ फॉर इंटरवेंशन, दिस फॉर रेशनल एंड हियर टू इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट इंटरवेंशन यहाँ पे असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का हमने जनरल कंडीशन असेस किया है। रेशनल असेसिंग द जनरल कंडीशन हेल्प टू नो द डिग्री ऑफ वेट लॉस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हम जनरल स्टेटस देखेंगे तो हमको पेशेंट के वेट लॉस वीकनेस के बारे में पता पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड फाउंड ही इज लॉस लूजिंग इज वेट एंड अपियर सो बिग। ऑन द असेसमेंट और वेइंग द पेशेंट वी फाइंड द पेशेंट्स वेट इज लॉस्ट एंड ही अपियर वेरी बिग, दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट इंटरवेंशन। द नेक्स्ट सेकेंड इंटरवेंशन प्रोवाइड न्यूट्रिशंस राइट टू द पेशेंट, हेयर इंटरवेंशन इज सेकेंड रेशनल है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड हेल्प टू रिड्यूस वीकनेस। इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड न्यूट्रिशियस फूड हेयर। नेक्स्ट नंबर थर्ड प्रोवाइड रेस्ट, हेयर प्रोवाइड रेस्ट, प्रोवाइड रेस्ट हेल्प टू रिड्यूस वीकनेस, मीन्स रेस्ट से पे थोड़ा वीकनेस वो कम होगा।
इसमें प्रोवाइडेड एडिक्यूएट रेस्ट टू द पेशेंट इम्प्लीमेंटेशन. द नेक्स्ट नो द लाइक्स डिसलाइक्स ऑफ द पेशेंट, ये इंटरवेंशन है. इससे पहले देखते हैं चेक द वेट डेली, तो इसका इंटरवेंशन है चेक द वेट डेली. द नेक्स्ट नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द पेशेंट, तो इसका हमको पता करना है पेशेंट क्या कहता है, क्या अच्छा लगता है उसको, जिससे कि हम उसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें. इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा नो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द पेशेंट. तो नेक्स्ट देखते हैं इवेल्युएशन. ऑन द इवेल्युएशन द न्यूट्रिशनल स्टेटस इज मेंटेन्ड टू सम एक्सटेंट. इस हमने जो भी सारे इंटरवेंशंस किए हैं, पेशेंट का वेट मेजर किया है, उसको रेस्ट प्रोवाइड किया है, उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पूछा है, तो इन सारे इंटरवेंशंस के बाद पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है कुछ इम्प्रूव हुआ है, वेट इम्प्रूव हुआ है, वो थोड़ा पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है. तो ये था हमारा सेकेंड डायग्नोसिस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, निमोनिया इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एज एविडेंस बाय द बॉडी एंड वेट लॉस. नेक्स्ट नंबर थर्ड डायग्नोसिस. हियर थर्ड डायग्नोसिस इज अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न इंसोमनिया रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस बाय द कंप्लेंट ऑफ पेरेंट्स एंड स्पेल्ड एंड संकनाइज. ये नर्सिंग डायग्नोसिस मीन्स पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो अल्टर्ड है, पेशेंट को नींद नहीं आती. तो ये हम देखते हैं फर्स्ट असेसमेंट. ये नर्सिंग असेसमेंट ऑफ थर्ड डायग्नोसिस सब्जेक्टिव डाटा. पेशेंट पेरेंट्स कंप्लेंट दैट द ही कॉन्ट स्लीप प्रॉपरली एट नाइट, मीन्स जो बच्चा है ठीक से सो नहीं पाता रात में. ऑब्जेक्टिव डाटा ऑन ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट द चाइल्ड इज हैविंग नो स्लीप एट नाइट, और इसको हमने ऑब्जर्व भी किया है. तो इसका डायग्नोसिस हियर अल्टर स्लीपिंग पैटर्न इंसोमनिया रिलेटेड टू पेन एज एविडेंस्ड बाय द कंप्लेंट ऑफ पेरेंट एंड स्पेल्ड एंड संकनाई. तो ये हमने नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड मीन्स जो पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न है वो अल्टर्ड है, पेशेंट ठीक से सो नहीं पाता, उसको कुछ दर्द होता है, ये सारा हमने ऑब्जर्व किया है. तो इसका गोल टू रिड्यूस इंसोमनिया मीन्स हमको इंसोमनिया को रिड्यूस करना है. इंसोमनिया मीन्स लॉस ऑफ स्लीप. एयर नेक्स्ट इंटरवेंशन रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डायग्नोसिस थर्ड. फर्स्ट इंटरवेंशन असेस द नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न. पेशेंट को हमको स्लीपिंग पैटर्न असेस करना है. रेशनल असेसिंग द नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न टू नो द ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप, जिससे हमको पता चल सके पेशेंट कितना सो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन ईयर असेस्ड द स्लीपिंग पैटर्न को हमने असेस किया था. नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन. पेशेंट को अच्छा पोजीशन प्रोवाइड करना जिससे वो ठीक से सो सके. प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल पोजीशन हेल्प टू गेट इजी स्लीप. यदि पोजीशन अच्छा है तो उसको सोने में आसानी होगी, अच्छे से सोएगा. तो इसके लिए हमको प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराना है. नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं एडवाइस टू अवॉइड डे टाइम स्लीप को हमको अवॉइड करना है. प्रोवाइडिंग Providing daytime sleep help to reduce insomnia.
यदि हम दिन में बच्चे को कम सुमाएंगे तो इससे रात को उसको अच्छे से नींद आएगी, इसलिए हमको दोपहर में थोड़ा रेस्ट कराना है बस, उसके बच्चा सोए नहीं और रात को ठीक से सो सके। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, एडवाइज टू अवॉइड डे टाइम स्लीप। नेक्स्ट, प्रोवाइड हॉट मील टू द चाइल्ड। इसमें प्रोवाइडेड हॉट मिल्क। द नेक्स्ट, एडमिनिस्टर सेडेटिव्स एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, एडमिनिस्टर फिनोबारबिटोन्स एज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर। तो इसका रेस्ट इवेल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट, ऑन इवेल्यूशन माई पेशेंट गेट स्लीप एट नाइट, मीन्स जो बच्चा है सारे इंटरवेंशन के बाद ठीक से सो पा रहा है नाइट में। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस एज एविडेंस बाय वेट लॉस, मालनरिश्ड बॉडी। तो ये डायग्नोसिस लास्ट नंबर 4, मीन्स पेशेंट जो बच्चा है ठीक से एक्टिविटी नहीं कर रहा, सुस्त है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्पेयर्ड है, वेट लॉस है, वो माल नरिश्ड है, इसलिए वो ठीक से एक्टिव नहीं है। तो ये देखते हैं, असेसमेंट ऑफ दिस डायग्नोसिस, सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट पेरेंट कंप्लेंट दैट इज डल इनएक्टिव। ये बच्चे के पेरेंट्स ने कहा है कि हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, डल है। ऑब्जेक्टिव डाटा में देखते हैं, ऑन ऑब्जर्वेशन इट इज़ फाउंड दैट माई पेशेंट्स एक्टिविटी गेटिंग डल, मीन्स ऑब्जर्वेशन के बाद हमको पता चला है कि वो बच्चे की एक्टिविटी कम है। द नेक्स्ट डायग्नोसिस, अभी पढ़ा था जैसे कि हमने, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस एज एविडेंस्ड बाई द वेट लॉस ऑफ मालनरिश्ड बॉडी। गोल हो गया यहाँ पे टू मेंटेन एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट और चाइल्ड एक्टिव प्रॉपरली, इंटरवेंशंस रेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डायग्नोसिस, इंटरवेंशन रेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन फर्स्ट, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। असेसिंग द जनरल कंडीशन हेल्प टू नो वेदर ही इज वीक और टायर्ड। असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट इंटरवेंशन था कि पेशेंट का जनरल कंडीशन को असेस करना है। देन रेशनल, असेसिंग द जनरल कंडीशन हेल्प टू नो वेदर इज वीक और डल, मीन्स ये हमको जनरल कंडीशन से चेक से पता चलेगा कि जो बच्चा है वीक और डल है। तो इसलिए हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है कि उसका हमने कंडीशन असेस किया है। द नेक्स्ट, प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशनल डाइट टू द पेशेंट। रेशनल है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल डाइट हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस। यदि हम उसको अच्छा डाइट प्रोवाइड करेंगे तो उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा होगा। रेशनल, प्रोवाइडेड एडुकेट न्यूट्रिशन टू एंड फोर टू द चाइल्ड। द नेक्स्ट, प्रोवाइड एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज टू द पेशेंट। रेशनल होगा, प्रोवाइडिंग एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज, और इम्प्लीमेंटेशन होगा प्रोवाइडेड एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइज। तो नेक्स्ट, गिव सीरप एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। नेक्स्ट, इंटरवेंशन मीन्स पेशेंट को कुछ एनर्जेटिक सिरप जो पेशेंट को एनर्जी दे, उससे पेशेंट थोड़ा एक्टिव हो। प्रोवाइडिंग सिरप हेल्प टू इंक्रीज द एपेटाइट, दिस टाइप ऑफ सिरप आल्सो इंक्रीज द एपेटाइट ऑफ द चाइल्ड। और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, द सिरप इज गिवन टू द चाइल्ड। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, इवेल्यूशन,
On evaluation, it is found that the patient's activity level gets maintained. Evaluation के बाद हमको जो भी हमने interventions किए हैं, हम evaluate करते हैं कि patients को जो बच्चा है उसका activity level पहले से बहुत बेहतर है. तो ये था nursing diagnosis number 4th. Activity intolerance related to inadequate nutritional status as evidenced by the weight loss or malnourished body. फ्रेंड्स, आज हमने वीडियो में पढ़ा कि नर्सिंग केयर प्लान ऑफ द चाइल्ड विद निमोनिया इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट. तो आप यहाँ से एक अच्छा नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर सकते हो थ्रू दिस वीडियो. लर्न अबाउट द नर्सिंग केयर प्लान ऑफ निमोनिया. आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक से कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अनंत नर्सिंग फाइल and press bell icon also to get more video easily. हमने यहाँ पर बहुत सारे नर्सिंग केयर प्लान तैयार किए हुए हैं, तो आप इनको इस चैनल पर देख सकते हो. इसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चंस, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, डिफरेंट मेडिकल एंड नर्सिंग टर्म्स के भी वीडियो हैं. तो आप इसके लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.